मध्य प्रदेश में बीएड की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चालू हो चुकी है। इसमें आप अपना नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए आपको HED.MP Online की साइट पर आ जाना है। इस तरह से उसका पोर्टल रहता है। आप लोगों ने अगर पहली बार पहले किए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको ये मोबाइल में करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डेस्कटॉप में दिखा सकता हूँ, लेकिन अधिकतर युवा साथी जो रहते हैं इनके पास मोबाइल ही होता है, तो आप मोबाइल में भी ऐसे खोल के चेक कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल पे आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग भी मोबाइल में देख सकते हैं। तो इस तरह से पोर्टल ओपन होता है। यहाँ पे आपको बीएड के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, और भी अन्य ऑप्शन रहते हैं, लेकिन अगर आप बीएड ही करना चाहते हैं, यहाँ पे बीएड वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रवेश प्रक्रिया वाला ऑप्शन पे अलॉटमेंट लेटर भी प्रिंट करने का दिखा रहा है, जो पहले जिनको अलॉट हो चुका है। उसके बाद वैकेंसी दिखा रहा है थर्ड राउंड की। फिर चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन आ चुका है, जो कि 12 तारीख से 16 तारीख तक है। तो हम देख लेते हैं कितनी खाली सीटें बची हुई हैं। मैं आप जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें चेक कर सकते हैं। मैं अपने ज़िले का चेक करता हूँ, मैं बालाघाट से हूँ। अगर आप जो भी ज़िले से हैं आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी की लिस्ट आ चुकी है, कितनी खाली सीट बची हुई है। यहाँ पर शक्ति विद्या मंदिर हमारे यहाँ का टॉप का कॉलेज है, यहाँ पे सिर्फ 48 सीट रह गई है। तो अब देखना होगा युवा साथी क्या करते हैं, किस कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। ICUM कॉलेज यहाँ पे बहुत सीटें खाली है, लगता है इतने लोगों ने शक्ति विद्या में डाल दिया। आप लोग भी ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िले में कितनी सीटें खाली है, उसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर बीएड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फर्स्ट नंबर पर। इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको अपनी व्यक्तिगत विवरण डालना है, जो कि आपकी 10th 12th की मार्कशीट में होगा, अपने कॉलेज वाली मार्कशीट में होगा, वैसी डिटेल यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी, जिसके नीचे आपको साइन भी रहेंगी। अपनी शैक्षणिक योग्यता का स्तर आपका जो भी हो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र जहाँ से भी हो यहाँ पर जानकारी डालनी है। इस पर मैं पहले वीडियो बनाया था, जिसमें मैं पूरी कंप्लीट डिटेल बताई थी, कितना पेमेंट वो कट रहा था और कितना कमीशन आया था MP Online को, ये सब बताया था मैंने। तो दोस्तों कोई भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं आप।